गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बनें या थैंक्स बटन दबाएं। साखी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। बाबा श्री चंद जी यात्रा करते हुए गुजरात दी द्वारका बेट ते पहुंच गए। बाबा श्री चंद जी ने द्वारका बेट विच समुंदर दे किनारे आसन लगाया। भाई कमलिया जी अते बाबा धर्मचंद जी भी नाल सन। बाबा जी चारों पासे सुहावने दृश्य नूं देख के खुश हो रहे सन। गर्मी दा मौसम सी, धर्मचंद जी नूं बहुत प्यास लग रही सी। उन्हां ने होली जेहे बाबा जी दे कान विच पानी दी मंग कीती। बाबा जी ने बड़े प्यार नाल कहा, लो धर्मचंद जी, हुने तुहानूं पानी पिलांदे हां। समुंदर दे कंडे पानी दी कोई कमी है? लो हुने देखो, करतार कितो ना कितो आप लई पानी दा प्रबंध कर ही देंगे। जी भर के पानी पीना। इन्ना ही कहन दी देर सी कि श्री वल्लभा जी अते एक मंदिर दा पुजारी आ के बाबा जी कोल खड़े हो गए। अपने आप ही एकदम उन्हां दे सिर बाबा जी दे चरणां विच झुक गए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिता। उठ के हजूर दी हजूरी विच खड़े हो के कहन लगे, महाराज भोजन खान दी कृपा करो। लेकिन बाबा जी ने कहा, भोजन दी इस समय कोई इच्छा नहीं है, बस कितों मिठे जल दा प्रबंध हो जावे। हे शिव स्वरूप, भोले भंडारी योगी राज, आप जी ता सब कुछ जानदे हो। मेरे प्रभु एथे ता पानी दी बड़ी कमी है, पानी बहुत दूर तो लाना पेंदा है, इसलिए आप इस रेत ली इलाके विच मीठे जल दी कृपा करो जी। या तो पानी है ही नहीं, जे है ते खारा, इसलिए आप इस जगह पानी दा प्रबंध करो जी, ता जो असी भी जी भर के पानी पी सकिए, अते आप जे महापुरुष नु भोजन चखा के जल्दी भी सेवा कर सकिए। सानू एथे 36 प्रकार दे पदार्था दा भोजन आए सज्जना नु खाना आसान है, क्योंकि ए संसारिक पैसे नाल हासिल कर लिया जांदा है, पर एथे मीठे जल वर्गी अमोलक वस्तु इस जगह ते आप जेहे महापुरुष दी कृपा बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए आप दया करो जी। बाबा जी नाल ए वचन करके श्री वल्लभा जी अते पुजारी जी हाजरी भरन लई बैठ गए। कुछ समय पिछों 7 औरतां पानी दे घड़े भर के पसीने विच तर हो के चलियां आ रहियां सन। 6 औरतां नूं आंदे होए देख के बाबा जी ने इशारा किता कि इस मासूम बालक नूं पानी पिला दियो, पर उन्ना औरता ने पानी पिलान तो साफ इनकार कर दिता अते नाल ही अपनी मजबूरी जाहिर कीती। भला असी पानी किवें पिला सकदियां हां, जदकि चारे पासे रेतला इलाका है, समुंदर दे खारे अते नमक वाले पानी तो बिना इत्थे होर कोई पानी नजर नहीं आंदा। बड़ी मुश्किल नाल 3-4 को दूर चल के इत्थो तक पानी लेके आंदियां। घर दे मेंबर इस पानी तो बिना बड़े व्याकुल हो रहे होंगे, हुन रस्ते विच किवें पानी मनदे फिरिए। इसलिए बाबा जी तुसी सानू माफ कर दियो, कितो होर जाके इस बच्चे दी प्यास मिटाओ, सानू हुन इजाजत दियो। ए कह के औरतां अपने घड़े रख के साह लैन लई बैठ गईयां। उन्हां दे पिछे एक औरत सिर ते घड़ा चक के हौली हौली आ रही सी। बाबा जी ने उस औरत नूं वी कहा, माता जी, इस बालक नूं पानी पिला दियो। बिरध ने जदों बाबा जी दी आवाज सुनी तां ओह इकदम उत्थे रुक गई, घड़ा सिर तों चक के बाबा जी दे चरणां विच रख दिता। बहुत श्रद्धा ते प्रेम नाल बोली, जल हाजर है, बच्चियां नूं पिलाओ, आप जी वी पियो अते कोल बैठे बाकी संतां नूं वी पिलाओ। माता जी दे मिठे बोल सुन के बाबा जी बड़े प्रसन्न होए अते कमलिया जी नूं कहन लगे, सारे संतां अते भगतां नूं पानी पिला दियो अते धर्मचंद जी नूं वी पानी पिला दियो, आप खुद वी पानी पियो ते सानू वी पिला दियो। भाई कमलिया जी ने उठ के सारिआं नूं ठंडा जल पिला के गर्मी विच तप रहे हिरदिआं नूं शीतल कीता। जदों माता जी दा घड़ा बिल्कुल खाली हो गया तां फिर माता जी ने बाबा जी दे चरणां विच नमस्कार कीती अते बहुत निम्रता पूर्वक प्रार्थना कीती, हे दीन दयालु जी, इस इलाके ते दया करो जी, इस रेतली अते समुंदरी धरती ते सानू लोकां नूं पानी दी बड़ी कमी है।
बहुत दूर जा के पानी पीना पैंदा है। साडे जीवां ते कृपा करो, पानी दी कमी कारण असी सारे बहुत परेशान हाँ। आप जी तां महापुरशो, जगत नूं अनेकां वरदान दिंदे हो, इसलिए आप कृपा करके इस खेतर दा कल्याण करो। ठंडे अते मिठे जल दा वरदान दे के किरतार्थ करो जी। बिरध दी दर्द भरी फरियाद सुन के बाबा जी मेरा विच आ गए अते शंख फड़ के जमीन ते मार के खड़ा कर दिता। अचानक ही शंख विच ठंडे मिठे जल दी तारा निकलनी शुरू हो गई। कुछ ही समय विच उस जगह ते ठंडे अते मिठे जल दा एक छोटा जिहा तालाब बन गया। बिरध दी खुशी दा कोई ठिकाना ना रहा। अपना मुंह धो के जल दा घड़ा भर के ओ फुल्ली नहीं सी समा रही। बाबा जी दे आस पास लोग इकट्ठे हो गए। बाबा जी दा एक करिश्मा देख के हर एक दी जुबान ए कह रही सी, धन्य हो बाबा श्री चंद जी, धन्य हो, धन्य हो बाबा श्री चंद जी, धन्य हो, धन्य हो बाबा श्री चंद जी, धन्य हो, धन्य हो बाबा श्री चंद जी, धन्य हो। ओ छे औरतां भी अपनी गलती महसूस करन लगियां अते बाबा जी दे चरणां विच डिग के अपनी भुल दी खिमा मंगन लगियां। बाबा जी ने सारिया नूं आशीर्वाद दिता। फिर की सी, सारे इलाके ने आके ए अचंबा देखिया अते ओह बाबा जी दे चरण स्पर्श करके अपना जीवन सफल करन लगे। बिरध ने सिर झुका के बाबा जी नूं धन्नवाद किता अते अपना घड़ा चक के अपने घर चली गई। इस कौतक दी खबर चारे पासे फैल गई। जिस जगह ते बाबा जी ने एक करिश्मा किता सी उसनु आज कल शंखासर कहंदे हन, जो द्वारका बेट तो 2 मील दूरी ते है। इस ते अजे भी छोटा जिहा मिठा जल दा तालाब बनिया होया है, जिस ते पहला सन्यासियां दा कब्जा सी। आज कल ए उदासी संपर्दा दे प्रबंध विच है। एथे बाबा जी दा बहुत सुंदर मंदिर भी बनिया होया है। सतनाम श्री वाहिगुरु। जो लोग दूसरियां दे निंदा करन विच लगे रहंदे हन, उन्हां नूं सिख्या दिंदे होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आखदे हन, हे भाई, जो मनुख अपने मन दे पिछे चलदा है, जो माया दे मोह विच अन्ना होया रहंदा है, उस बेअकल नूं समझ नहीं रहंदी ते ओ अपना आत्मक जीवन तबाह कर लैंदा है, भाव अपनी सुख शांति गवा दिंदा है अते जगत दा वैरी भाव दुश्मन ही बनिया रहंदा है। ओ हमेशा दूजियां दी निंदा जा बुराइयां ही करदा रहंदा है। होर लोकां दी निंदा रूपी औगुना दा बोझ अपने सिर ते चुकदा रहंदा है। अजिहा मनुख मनमुख है, भाव ओ अपने मन दी सुनदा है अते ओह उस मजदूर दे समान है, जो मजदूरी लए बिना भाव बिना किसी गल दे ही दूसरियां दा भार चक चक के पहुंचांदा रहंदा है। भाव कदी किसे दी निंदा कदी किसे नाल करदा है ते कदे किसे नाल, जदों की उसनू अजिहा कर के कोई फायदा नहीं हुंदा। ओ ता बेवजह ही अपना जीवन इस काम नु करके व्यर्थ कर रहा है। सतनाम श्री वाहिगुरु। हुन तुसी साडी एप्लीकेशन विच साखियां कैटेगरी वाइज देख सकदे हो, गुरबानी सुन सकदे हो अते पढ़ सकदे हो। ऐप डाउनलोड करन दे लई अते सानू सपोर्ट करन लई डिस्क्रिप्शन देखो। सतनाम श्री वाहिगुरु।